हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल द गर्ल नेक्स्ट डोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में आई विल बी शोइंग मैं अपना मेकअप बेस कैसे करती हूँ एकदम फ्लॉलेसली और एकदम बेस बिल्कुल भी केकी ना लगे, तो उसके लिए मैं कैसे अपना बेस अप्लाई करती हूँ एंड लेट्स सी हाउ आई डू इट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहले मैंने अपना फेस एकदम फेस वॉश से वॉश कर लिया है, एकदम क्लीन है मेरा फेस। नेक्स्ट आई विल गो हैड एंड अप्लाई टोनर ऑन माई फेस। सो फॉर द टोनर आई एम यूजिंग द ग्रीन टी टोनर फ्रॉम द ब्रांड प्लम। इट लुक्स लाइक दिस। सो ये टोनर बहुत ही अच्छा है, मेरे स्किन टाइप को सूट करता है। एक्चुअली ये टोनर पूरे ऑल स्किन टाइप्स के लिए, तो कोई भी यूज कर सकता है। सो आई विल टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑन माई पाम एंड देन मैं इसको दोनों पाम से ही अपने फेस पे पैट करके अप्लाई करूंगी। Now I let this toner dry for a while. So toner अच्छे से मेरे skin में absorb हो चुका है and next I'll move ahead and apply moisturizer. So आप लोग कोई भी moisturizer जो भी आप लोग apply करते हैं वो apply कर सकते हैं and मैं use कर रही हूँ Lakme का peach milk moisturizer. So मैं इसको अच्छे से अपने face पे dot करके लगा दूंगी as well as on my neck. बेस फेस पे अप्लाई करने से पहले एकदम फेस को प्रेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ड्राई स्किन पे ही मेकअप लगाना शुरू करेंगे तो वो बहुत ही केकी और पैची लगेगा एंड देन फ्लेक ऑफ करना शुरू हो जाएगा, सो इट विल लुक वेरी वियर्ड। सो इसलिए फेस को एकदम मॉइस्चराइज और प्रेप अप करना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल ऑफ द मॉइस्चराइजर इज अब्सॉर्ब्ड वेल इनटू योर स्किन, नेक्स्ट वी विल मूव अहेड अप्लाइंग फेस प्राइमर। आपके फेस पे जहां पे भी ज्यादा ओपन पोर्स है तो आप लोग वहां पे प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। सो प्राइमर अप्लाई करने से क्या हो जाता है, वो पोर्स एकदम कंसील हो जाता है, एक स्मूथ इफेक्ट आता है स्किन में, जिसकी वजह से फाउंडेशन या कंसीलर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, एकदम स्मूथ फिनिश देता है, सो इट लुक्स रियली नाइस। सो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। मैं इसको थोड़ा सा लूंगी अपने फिंगर टिप्स में एंड आई विल अप्लाई नियर माई नोज एरिया वेयर आई हैव स्मॉल पोर्स। सो प्राइमर लगाने के बाद एकदम मेरा स्किन स्मूथ आउट हो चुका है एंड नाउ द बेस विल लुक रियली नाइस ऑन माई फेस। सो मूविंग अहेड, फाउंडेशन मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड गोल्डन बेज। सो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, लुक सो नेचुरल ऑन योर स्किन एंड अच्छा कवरेज भी है, लाइक हाई कवरेज नहीं है बट मीडियम कवरेज है एंड बहुत अच्छे से सेट हो जाता है फेस में। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाए तो एकदम ज्यादा फेस पे ना लगाए, तो वो बहुत ही अननेचुरल लगता है। थोड़ा लेके पहले उसको ब्लेंड कीजिए एंड अगर और ज्यादा कवरेज चाहिए होगा तो फिर वापस से लेके हम लोग उसका कवरेज बिल्डअप कर सकते हैं। सो इनिशियली बहुत सारा फाउंडेशन एकदम फेस पे मत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके उसका कवरेज को बिल्ड कर सकते हैं। सो मैं डॉट करके अपने सारे फेस एंड नेक में फाउंडेशन अप्लाई कर लूंगी। सो आई थिंक इतना फाउंडेशन काफी है मेरे फेस में। सो मैंने ब्लेंड करने के लिए मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर ली हूँ, दिस इज फ्रॉम अ लोकल ब्रांड, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैंने ये अमेजोन से खरीदा था, बहुत ही अच्छा है। सो मैंने इसको डैम्प कर लिया है एंड ड्यू टू विच इसका साइज इंक्रीज हो गया है एंड दिस ब्लेंड्स आउट द मेकअप रियली वेल। मैंने इसको बहुत बार यूज किया है, तो कभी कभी मैं ब्रश भी यूज कर लेती हूँ या कभी कभी ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर लेती हूँ बेस को ब्लेंड करने के लिए। एंड वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, थोड़ा फाउंडेशन लेना एंड उसको अच्छे से डैब करके ब्लेंड करना है। वी विल ब्लेंड अवर फाउंडेशन इन अ डैबिंग मोशन, इसको एकदम ड्रैग कर करके मत ब्लेंड कीजिएगा, बहुत ही अननेचुरल लगेगा एंड अच्छे से ब्लेंडेड लुक भी नहीं आएगा। सो वी विल डैब इट एंड देन ब्लेंड इट ऑन द फेस।
थोड़ा टाइम लेके और अच्छे से डैबिंग मोशन में मैंने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है एंड आई लव हाउ इट लुक्स। एंड मेरे को और कवरेज नहीं चाहिए तो मैं और फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। अगर आप लोग को और कवरेज चाहिए होगा, अगर आपके कुछ डार्क एरियाज है जो अच्छे से कंसील नहीं हुए हैं, तो आप लोग और थोड़ा सा फाउंडेशन लेके आप सेम मोशन में उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं एंड कवरेज को और बिल्डअप कर सकते हैं। स्पंज यूज करते वक्त आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए। स्पंज को थोड़ा वाटर में डिप करके पूरा एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट करके फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड होता है। नाउ आई विल मूव अहेड एंड कंसील माय अंडर आईज, क्योंकि वहां पे और थोड़ा कवरेज का जरूरत है। सो फॉर द कंसीलर आई एम यूजिंग माई ऑल टाइम फेवरेट एले गर्ल प्रो कंसीलर इन द शेड प्योर बेज। सो कंसीलर को मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी एंड आउटर कॉर्नर्स ऑफ द आई में लगाऊंगी। एज यूजुअल आई विल यूज माय रिंग फिंगर एंड देन ब्लेंड ऑल ऑफ दिस कंसीलर। कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ज्यादा प्रोडक्ट लेके आप लोगों का मेकअप सुंदर लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना कम प्रोडक्ट लेंगे एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस और अच्छा लगेगा और नेचुरल लगेगा। सो आई हैव कंप्लीटेड विद माई बेस, आई हैव अप्लाइड द फाउंडेशन एंड द कंसीलर एंड फॉर द लास्ट स्टेप मैं करूंगी अपने पूरे बेस को सेट, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है तो मेरे को अपना बेस सेट करना ही पड़ेगा, वरना इस गर्मी में तो पूरा मेरा मेकअप पिघल के गिर जाए। So for setting the makeup, I am using my all-time favorite again loose powder from Maybelline in the shade 15 light. So I have completed with my base makeup. I love how it looks and how flawless it looks. बिल्कुल भी केक ही नहीं लग रहा है। तो अगर आप लोग ये थोड़ा सा छोटा ट्रिप्स एंड ट्रिक्स अगर ध्यान में रख के आप लोग का बेस मेकअप करेंगे तो बहुत ही फ्लॉलेस लुक आएगा। एंड वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि ये फाउंडेशन और कंसीलर का जो शेड है वो आपके एकदम स्किन टोन से मैच होना चाहिए। एक शेड डार्क हुआ या एक शेड लाइट हुआ बहुत ही खराब लगेगा, तो एकदम जो परफेक्ट मैच है आप लोग को वही यूज करना चाहिए, जिसके वजह से आपका मेकअप एकदम नेचुरल लगेगा एंड लगेगा कि आप लोग ने ज्यादा मेकअप फेस पे नहीं लगाया है। लास्ट टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू, जो कि मैंने बहुत लेट इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, वो है एक मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज करना आफ्टर यू हैव डन ऑल ऑफ द मेकअप। तो वो यूज करने से मेकअप जो है एकदम सेट हो जाता है, इट लुक्स सो नेचुरल एंड ग्लोई एंड एकदम भी केकी नहीं लगेगा एंड फ्लेकी नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने लेटली ही यूज करना शुरू किया है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे एंड इट हैज टोटली चेंज्ड माय मेकअप गेम। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है एंड अगर आप लोग के पास भी ऐसे कुछ अगर टिप्स एंड ट्रिक्स है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। अंटिल देन विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Bye guys!